निकाल लिया है गरम रखने के लिए। तो जब तक ये गरम होता है मैं दिखा देती हूँ कि इसके हम चौकन में क्या क्या डालेंगे। तो ये है तेज पत्ता, ये है साबुत, बड़ी इलायची, सूखी लाल मिर्च, इसमें है दालचीनी, काली मिर्च, जीरा, और ये मैंने दो प्याज बारीक काटे हैं इसमें डाल देंगे। तो जैसे ही हमारा ये तेल गर्म होगा हम पहले ये डालेंगे, उसके बाद ये डालेंगे प्याज, और इसमें हम हींग डालेंगे। तेल गर्म हो गया है तो हम ये सारे जो मसाले हैं सब डाल देंगे। उसके बाद हम ये इसमें हींग डाल देंगे, और जैसे ही जीरा लाल होगा, साबुत गर्म मसाले की खुशबू आने लगेगी, वैसे ही हम लोग इसमें प्याज डाल देंगे। तो देखिए जीरा लाल हो गया है, अब हम इसमें ये प्याज बारीक कटा हुआ डाल देंगे। जब तक हमारे ये प्याज लाल होते हैं तब तक मैं झट से इसके साथ चावल खाऊंगी, मैं वो चावल बना लेती हूँ। तो ये देखिए मेरा मसाला जो है वो अच्छे से भुन रहा है, तो इसी में अब हम सारे बेसिक मसाले डाल देंगे। ये है मिर्ची, अगर आप तीखा खाते हैं तो थोड़ा ज्यादा डालिए, और नहीं तो इतना बहुत है। उसके बाद ये है हल्दी। राजमा खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। और ये मैंने डाला इसमें नमक, राजमा को उबालने में मैंने नमक नहीं डाला था। नमक डाल देने से प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो अब हम इसको फिर से भूनने के लिए छोड़ देंगे। मेरा तो ये फेवरेट है छोला या राजमा, राजमा पराठा या राजमा चावल, तो राजमा मेरा फेवरेट है और मैं राजमा के साथ चावल लेना पसंद करती हूँ। आप लोगों को कैसे पसंद है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर से बताइएगा। आप सब लोग कैसे बनाते हैं, आप लोगों का क्या तरीका है, मेरे साथ भी इस चीज को शेयर कीजिए, क्या पता मुझे भी कुछ नया सीखने को मिल जाए। तो हम इसको छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, एकदम स्लो आंच पे ये बढ़िया से जो है मसाला अच्छे से भून जाए। देखिए मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है, अब मैं इसमें राजमा मसाला डालूंगी दो बड़े चम्मच। ये है मेरे पास एवरेस्ट का, आपके पास जिस ब्रांड का हो। तो ये मैं मसाला डाल रही हूँ, एक ये मेरा छोटा चम्मच है, इसे थोड़ा सा मैं बढ़ा के डालूंगी। देखिए मैंने अब इसमें राजमा मसाला डाल दिया है, को फिर हम एक बार अच्छे से बढ़िया से भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें अमचूर डालेंगे। वैसे आजकल का टमाटर है खट्टा आ रहा है, फिर भी थोड़ा सा हम इसमें अमचूर डाल देंगे। तो देखिए मैंने ये एक चम्मच अमचूर, एक चम्मच नहीं, 3-4। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि हमारा मसाला जो है नीचे से चिपके ना। देखिए ये मैंने पानी इसमें डाल दिया। तो इसको हम 5 मिनट और अच्छे से भूनेंगे,
उसके बाद हम इसमें राजमा डालेंगे। तेल छोड़ने तक इसको भूनना। देखिए ये मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें जो हमने राजमा उबाला था वो डाल देंगे। तो देखिए कितना बढ़िया से ये मेरा राजमा उबल गया है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आई लव राजमा। ये देखिए नीचे रह गया है, तो हम इसमें पानी डाल देंगे और फिर सारा मिला के इसमें हम डाल देंगे। एक बार हम इसको अच्छे से मसाले के साथ मिला लें और फिर हमको इसकी सीजनिंग भी चेक करनी है। तो बहुत ही स्वादिष्ट, लाजवाब और हेल्दी राजमा बनके तैयार है। ये मैंने अच्छे से मिला दिया है और अब मैं इसमें गरम मसाला डाल दूंगी। ये मेरे पास एवरेस्ट का है। तो अब हम इसको ढक के थोड़ी देर 5 से 7 मिनट बढ़िया से इसको भूनने देंगे धीमी आंच। तो अब मैं इसको ढक दूंगी। और ये हमारे राजमा अच्छे से मसालों में भुन चुके हैं। देखिए बढ़िया से। अब हम इसमें पानी डालेंगे। तो जो मेरे प्रेशर कुकर में नीचे थोड़ा सा राजमा रह गया था उसी में मैंने पानी डाल के हल्का सा सब मिला के अब मैं इसमें डाल दूंगी। ये राजमा ऑलरेडी अपने आप में न्यूट्रिशन के साथ हाईली रिच है, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा देसी घी और डाल देंगे तो ये और स्वादिष्ट हो जाएगा। हम सबसे पहले इसमें पानी डालेंगे और उसके बाद हम इसमें घी या बटर, आपके पास जो भी उपलब्ध हो वो डाल। देखिए ये मैंने इसमें पानी मिला के पूरा पिला दिया है, तो ये सारा का सारा इसमें चला जाएगा। पानी कैसा रहेगा इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कम ग्रेवी वाला राजमा पसंद है कि ज़्यादा ग्रेवी वाला राजमा पसंद है। तो भाई हमारे यहाँ तो इसको चावल से पसंद किया जाता है, तो मुझे तो थोड़ी ग्रेवी चाहिए। तो इसमें मैं इतना पानी रखूँगी। उसके बाद इसमें हम नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मीन्स ज़्यादा नहीं होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। कम नमक का इलाज है, ज्यादा नमक का इलाज है लेकिन वो काम नहीं करता। तो ये लीजिए भाई, हमने इसमें डाल दिया नमक। हम मिलाएंगे इसमें अब बारीक धनिया पत्ता। एक कटोरी मैंने काट के रखी हुई है, आधा मैं अभी डालूंगी और आधा डालूंगी जब मैं इसको प्लेट में अच्छे से सजा के आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने डाला धनिया पत्ता, इसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कोरिएंडर लीव्स। हेलो, मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? तो ये डाल दिया। अब हम इसको छोड़ देंगे अच्छे से धीमी आंच पे बढ़िया से इसको पकने के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे 5 से 7 मिनट बाद। फिर हम डालेंगे इसमें बटर। बटर आप अभी भी डाल सकते हैं, तो क्यों ना मैं अभी डाल दूँ। मेरे पास बटर नहीं है, मैं गई थी फ्रिज में ढूंढने के लिए तो खत्म हो चुका है। तो हम इसमें ये 1 चम्मच घी डाल। और
इसको हम छोड़ देंगे सिम पर 5 to 7 मिनट्स। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे राजमा पक्के तैयार हुए हैं कि नहीं। तो ये देखिए राजमा पक्के तैयार है, उसकी खुशबू लाजवाब, शानदार और मस्त है। मैं कर रही हूँ गैस बंद और आपको मिलती हूँ प्लेट लगा। तो ये लीजिए मेरी राजमा चावल की प्लेट लग गई है। आप लोग भी इसको एंजॉय कीजिए, मैं भी जा रही हूँ उसको एंजॉय करने के लिए। और आप लोगों को जरा सा भी मेरा अगर ये वीडियो पसंद आता है, आप लोग अगर इसको लाइक करते हैं, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।